बैंगन का भरता, मतलब बैंगन का भरता शायद ही कोई होगा जिसको इस तरीके से बनाने के बाद पसंद नहीं आती होगी। खैर मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई नहीं है, अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से आज मैं बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ, ऐसा बैंगन का भरता कौन वो महान मनुष्य है जिसे नहीं पसंद है। खैर मुझे तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है, तो बस इस तरीके का यमी टेस्टी और दाल चावल की जान, मतलब दाल चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना अमेजिंग होता है कि सच में मैं क्या ही बताऊं। ये बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैंगन लेने हैं, और बैंगन का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जो पतले वाले बैंगन आते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जो मोटे मोटे से बड़े वाले बैंगन होते हैं ना उनका इस्तेमाल करना है, और उसमें थोड़ा सा ऐसा चीड़ा लगा लेना है, और चीड़ा लगा लेने के बाद मतलब चीड़े से आपको थोड़ा बहुत देख भी लेना है झाँक झूक के कि ये सड़ा वड़ा तो नहीं है, बाकी ऊपर से देख लीजिएगा कहीं अगर होल नहीं है, तो बैंगन मोस्टली सड़े नहीं होते। फिर इसमें आपको 2-3-4 मिर्चियाँ डाल देनी है, और उसके बाद ढेर सारी हींग डाल देनी है। जी हाँ, हींग से इसका फ्लेवर ना 2 गुना 3 गुना 4 गुना पता नहीं कितने गुना हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा आता है। तो बस इसके हींग डालने के बाद इसको मैंने बंद करने की कोशिश करी है, और दोनों बैंगन में मैंने भर भर के हींग डाली है, मतलब एक एक चम्मच तक हींग तो डाल ही दी है। और इसके बाद ना हमें क्या करना है, हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है, और मतलब हाथ में ऑयल लगाना और इसको अच्छा ऑयल से इसे ग्रीस कर देना है, टमाटर को भी ग्रीस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 बैंगन और 4 टमाटर लिए हैं, आपको और ज़्यादा लेना है अगर किसी की क्वांटिटी कम है, मतलब अगर को बैंगन आपको एक ही लेना है तो एक ले लीजिए, वरना टमाटर 2-4-5 और ले लीजिए या कम कर दीजिए, जैसा आपकी मर्जी। तो बस यहाँ पे आपको गैस जलाना है, गैस पे कोई भी ऐसी जाली रखनी है जिस पे आप अपना बैंगन रख सकें, और बैंगन को थोड़ा साइड शिफ्ट करके इसके साथ में हमें यहाँ पे टमाटर को भी रख देना है, और दूसरी तरफ भी हमने दूसरे वाले गैस को भी जला लिया है, और उस पर भी 1 बैंगन और 2 भरते रख दिए हैं। तो इस तरीके से हमने अपने बैंगन और टमाटर को सेट कर दिया है, और एक तरफ मैंने पूरी एक लहसुन की कली भी रख दी है। अगर आपको लहसुन खाना नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल मत रोस्ट करिएगा, क्योंकि मैं बाद में जब भरता बनाऊंगी ना तो मैं उसमें बिना लहसुन वाला भरता भी निकालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग हैं जिन्हें लहसुन प्याज से सख्त एलर्जी है। मतलब प्याज तो आप घर में ला ही नहीं सकते हो, लेकिन लहसुन भी आपको खाना है तो आप खाओ, लेकिन पूरे खाने में आप मिला नहीं सकते हो, ऐसा वाला है। तो बस बातों में हमारा बैंगन धीरे धीरे भुन रहा है, इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा, और हाँ जब ये चारों तरफ पक जाए ना तो इसे थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दीजिएगा, मतलब इसको स्टैंड अप वाली पनिशमेंट दे दीजिएगा कि ये नीचे से भी अच्छे से पक जाए। और एक तरफ का बैंगन तो हमारा बिल्कुल अच्छे से हो गया था, दूसरा बैंगन भी अच्छे से हो गया है, लहसुन भी अच्छे से हो गया है, थोड़ा सा ये नीचे से कम पका हुआ था तो मैंने इसे मतलब चेक करके इसे थोड़ा सा और पका लिया है, और बस लगभग ये हो ही गया है। तो बस जब आपके सारे बैंगन सारे टमाटर सब कुछ हो जाए ना तो इसे आपको एक प्लेट में रख लेना है, और इन टमाटरों को पता नहीं क्या नाराज़गी थी, चूँकि ये जाली थोड़ी सी छोटी थी तो ये सारी जगह ना हमारे बैंगन नहीं ले ली थी तो ये कम हुआ था, और हाँ मैंने अपनी थाली में डालने के लिए थोड़ी मिर्च एक्स्ट्रा से कर ली थी, बाकी 4-5 मिर्च बहुत होती हैं जो कि मैंने इसके अंदर ही ऑलरेडी डाल दी थी, लेकिन अगर आपको पसंद है ना तो आप थोड़ा मिर्च भी ऐसे रोस्ट कर लीजिए, और बस अगर आपके घर वालों को नहीं पसंद है तो अपनी थाली में डाल लीजिएगा, बिल्कुल उनकी थाली में मत डालिएगा वरना ज़्यादा तीखा बनाने के जुर्म में आपको डांट पड़ने वाली है। उसके बाद इसकी जो स्किन होती है ना ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, तो इसकी स्किन को आप आराम से धीरे धीरे से निकाल लीजिएगा, मतलब बस स्किन ही निकालिएगा, अंदर के पल्प वल्प नहीं निकाल दीजिएगा। और हाँ अगर थोड़े बहुत स्किन ब्लैक पार्ट आपके रह जाते हैं ना तो इसे आप बाद में चाहें तो थोड़ा टिश्यू पेपर से पोंछ भी सकते हैं। और हाँ इस बैंगन में ना जो मैंने हींग डाल दी थी ना उसकी वजह से इसका लिक्विड निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, और जब पहली बार आप बैंगन को रोस्ट कीजिएगा ना तो वो जो छेद वाला पार्ट होता है ना उसको ऊपर रखिएगा, वरना सारी हींग आपके गैस पर गिर जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अपना बैंगन छील लिया है, अपना टमाटर छील लिया, टमाटर की स्किन भी बहुत आसानी से हट जाती है। इस तरीके से बैंगन का भरता आप बैंगन बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बॉईल करने पे वो टेस्ट कभी नहीं आएगा जो अभी आने वाला है। तो टमाटर हमने छील लिया है, बैंगन छील लिया है, इसमें तो थोड़ा बहुत आपको लिक्विड दिख रहा है ना, इसके साथ ही हमें बैंगन का भरता बनाना है, और हमने अपना लहसुन भी छील के रख लिया, अंदर वाली मिर्च को हमने यहाँ पे निकाल लिया है, इसमें बहुत सारे बीज थे, अगर आपको बीज वाला पोर्शन नहीं पसंद है थोड़े थोड़े बीज वाले आप हटा सकते हैं बीच में, और इसका जो क्राउन होता है ना, भाई बैंगन तो क्राउन पहन के पैदा होता है ना, तो इसके क्राउन को अब हटा देना है क्योंकि इसके क्राउन हटाने का टाइम आ गया, अब इसका मर्डर होएगा, मतलब अब इसका अंतिम संस्कार करना है, तो इसके क्राउन के साथ इसका अंतिम संस्कार ना करें। और एक मिर्ची जो मैंने रखी थी वो भी मैंने ऐड कर दी थी, इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लिया था, और एक मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर दिया था, आप चाहते हैं तो इसे हाथ से भी मैश कर सकते हैं।
लेकिन मिर्ची वगैरह पड़ी है तो अगर आपके हाथ में थोड़ा सा जलन वलन होती तो बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद मैंने थोड़े से दो आलू बॉईल करके रखे थे वो डाल दिए, थोड़ा जीरा पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक डाल दिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा दमालू मसाला डाल दीजिएगा। सच में ये सीक्रेट है लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट देगा। उसके बाद सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग का तड़का दे दीजिएगा और उसे भी इसमें मिक्स कर दीजिएगा। सच में बैंगन के भरते में ना ये मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप नहीं आपने कभी ट्राई नहीं करा है ना तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको सच में बहुत पसंद आएगा। तो ये मेरा अप्रॉक्स बैंगन का भरता बन के तैयार है। मैंने ऊपर से थोड़ी धनिया की पत्तियाँ डाल दी और धनिया की पत्तियाँ के साथ मैं एक चीज़ यहाँ पर डालना भूल गई थी, वो था मेरा ड्राई मैंगो पाउडर मतलब अमचूर। ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, तो इसे भी आप इसमें डाल दीजिएगा और इसके बाद इसे इंजॉय कर लीजिएगा। और बैंगन के भरते के साथ दाल चावल ना बना हो ऐसा तो कैसे ही हो सकता है। तो बस मैंने अपना दाल चावल भी परफेक्टली बना के रख लिया है, बैंगन के भरते को भी परफेक्टली बना के रख लिया, थोड़ा बैंगन का भरता निकाल दिया है मैंने जिन लोगों को लहसुन नहीं पसंद है। उसके बाद लहसुन की जो कलियां हमने भून के रखी थी ना उसे थोड़ा सा मैश मैश कर लेना है और इसके बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। बस अब बैंगन का भरता बिल्कुल बनके तैयार है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी थाली में सर्व करना है और दाल चावल के साथ इसे बहुत ही मज़े से खाना है। तो आपको ये बैंगन का भरता कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। डेफिनेटली आपको ये बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, मैं ट्रस्ट मी जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए ना अगर आप वैसे फॉलो करके बनाते हैं ना तो अगर आप अपने थाली की लास्ट बाइट की उंगलियाँ ना चाटते रह गए तो कहिएगा, मतलब ये इतना टेस्टी बनेगा ना कि आप इसे और से और से और खाना चाहेंगे। तो बस अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, खाइए पिए खुश रहिए और इसे बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी